तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे और एक मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा, कल ही खेला जाएगा वो भी। तो एक बहुत ही बड़ा मैच होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि सातवां टी ट्वेंटी आई है और उसमें छः में तीन पाकिस्तान ने जीत करा रही है और तीन इंग्लैंड ने जीत करा रही है। तो एक सातवां टी ट्वेंटी होगा और एक आखिरी टी ट्वेंटी होगा, इसमें कौन जीतेगा वो सीरीज जीत जाएगा। तो बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, कोई भी टीम हारेगी तो बहुत दुख होगा, क्योंकि तीन मैच लगातार जीती है तो एक मैच हारे तो सारा सीरीज ही हार जाएगा। तो दोनों टीम टक्कर पे मुकाबला दे सकती है इस मैच में। और क्या रहेगी हमारी इस मैच में टीम क्या रहेगी हमारी और क्या रहेगी, थोड़ा प्लेयर सेट देखेंगे। प्लेयर सेट देखने के बाद थोड़ा पिछले मैच का परफॉर्मेंस क्या होता वो देख लेते हैं और उसके बाद में हम टीम बनाना चालू करते हैं और आज मैं आपको मैं फाइनल टीम भी दिखा दूँगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई देर की। चलो गाइस यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और लीग आपके बारे में यहाँ पे देख लो, अभी तक कोई ग्रैंड लीग ऐड नहीं हुए है, पर जरूर ऐड हो जाएंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम है तो इसलिए उन्होंने अभी ऐड नहीं हुए है। तब तक के लिए आप यहाँ पे हेड लीग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही बड़ा हेड लीग, आप आसानी से विनिंग कर सकते हो, लो कॉम्पिटिशन भी है, तो ज़रूर एक बार ट्राई करो गाइस। तो गाइस यहाँ पे चलो टीम देखने से पहले थोड़ा प्लेयर स्टार्ट देख लेते हैं, दोनों टीम का प्लेयर स्टार्ट कैसा है वो देख लेते हैं आप। तो गाइस यहाँ पे देख लो, पाकिस्तान और इंग्लैंड बीच में मैच खेला जाएगा, तो कल संडे 8 बजे मैच चलो होगा शाम को। तो विनिंग प्रेडिक्शन में बोला जाए तो विनिंग प्रेडिक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं 54% चांसेस है इंग्लैंड की और 46% चांसेस है पाकिस्तान की। तो यही होगा, तो कुछ भी हो सकता है इस मैच में, या पाकिस्तान भी जीत सकती है, यहाँ पे बोल नहीं सकते। तो पहले इंग्लैंड के कुछ प्लेयर के स्टार्ट देख लेते हैं। उसमें पहले आते हैं जॉस बटलर, 94 मैच 2227 रन बना के आ रहे, 32 का बैटिंग एवरेज इनका। जॉस बटलर अभी तक T20 खेले नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, तो इस मैच में खेल सकते हैं, चांसेस है बहुत चांसेस है। नेक्स्ट आते हैं राजल रशीद, 82 मैच के लिए उसमें 87 रन बना के आ रहे, ये प्लेयर बहुत बड़े हर मैच विकेट लेके आता है। नेक्स्ट आता है एलेक्स सेल्स, ओपनिंग बैट्समैन है, 65 मैच 1756 रन बना के आ रहे, 30 इनका बैटिंग है, टिक टॉक परफॉर्मेंस है, हर मैच ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आते हैं। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मोइन अली, कैप्टन मोइन अली, 61 मैच के लिए उसमें 933 रन बना के आ रहे, 22 का बैटिंग है इनका और इन्होंने 40 विकेट लेके आए, तो बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डेविड मिलर, 47 मैच 1507 रन बना के आ रहे, 36 इनका बैटिंग एवरेज, इनका भी रिकॉर्ड टिक टॉक है, ये बहुत बड़ा बैट्समैन है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डेविड विली, 40 मैच 48 विकेट लेकर आ रहे, सैम करन 26 मैच 22 विकेट लेकर आए, 136 रन भी बना के आ रहे। और नेक्स्ट आते हैं मार्कुट, बहुत बड़ा तेज गेंदबाज है, 21 मैच के लिए उसमें 32 विकेट लेकर आ रहे, प्लेयर बहुत बड़ा है अभी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे रेस टॉपली, 18 मैच 18 विकेट लेकर आ रहे, क्रिस वुड 17 मैच 108 रन 16 विकेट्स, लियाम डॉम्सन 11 मैच 57 रन बना के 6 विकेट लेके आए, फिलिप साल्ट पिछले मैच का हीरो 10 मैच 215 रन बना के आ रहे, 23 का बैटिंग एवरेज इनका, हैरी ब्रुक 10 मैच 257 रन 36 का बैटिंग एवरेज, बेन डकेट 7 मैच 212 रन 42 का बैटिंग एवरेज इनका, रिचर्ड ग्लिसन पिछले मैच खेला था इनका रिकॉर्ड देखो 6 मैच 9 विकेट लेके आ रहे, लूकवुड 2 मैच 3 विकेट, विल जैक्स 2 मैच खेला उसमें 40 रन बना के आ रहे, ऑलिस्टोन और टॉम एलन जॉर्डन को तीनों अभी तक इनका रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि तीनों अभी खेले नहीं। तो ये था कुछ इंग्लैंड के प्लेयर के स्टैट्स, अब देख लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर के स्टैट्स कैसे हैं वो देख ले। उससे पहले आते हैं बाबर आजम, 86 मैच के लिए उसमें 3335 रन बना के आ रहे, 43 का बैटिंग एवरेज इनका, शादाब खान 71 मैच 336 रन बना के आ रहे, 17 इनका बैटिंग एवरेज प्लस 84 विकेट भी लेके आ रहे, मोहम्मद रिजवान 67 मैच 2258 रन 53 का बैटिंग एवरेज इनका, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, आसिफ अली 48 मैच 503 रन 15 का बैटिंग एवरेज है, हरीफ सौरभ 48 मैच 58 विकेट्स, मोहम्मद नवाज 42 मैच 38 विकेट 238 रन बना के रहे, बैटिंग बॉल दोनों बहुत बड़े कर लेते हैं, इफ्तार अहमद 30 मैच 456 रन बना के रहे, 26 का बैटिंग एवरेज है प्लस इन्होंने 3 विकेट लेकर रहे, हैदर अली ग्रैंड लीग में मस्त पिक रहेगा, ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन ट्राई करना, 26 मैच के लिए उसमें 442 रन बना के रहे, 21 का बैटिंग एवरेज इनका, मोहम्मद हसनैन 25 मैच 24 विकेट्स, उस्मान कौजिर 23 मैच 29 विकेट लेके आ रहे, कुश्ती शाह 23 मैच 282 रन 21 का बैटिंग एवरेज इनका, मोहम्मद वासिम 14 मैच 19 विकेट, शाहजहा शाहजहा धानी 8 मैच 6 विकेट लेके आ रहे,
शान मसूद 6 मैच 100 रन बनाए गए 25 का बैटिंग एवरेज का, और नसीम शाह 6 मैच 7 विकेट, अमित जमाल 2 मैच 1 विकेट, और मोहम्मद हारिस 1 मैच में 7 रन बना के आया था, और अबर अहमद अभी तक नहीं खेला है। तो यार ये था कुछ धोनी का प्लेयर के स्टैट देख लिया। तो इस थोड़ा धोनी का पिछले 2-3 मैच से कैसा परफॉर्मेंस करके आ रहे, कैसा उनका बैटिंग रिकॉर्ड है, वो सब बॉलिंग रिकॉर्ड है, वो सब देख लिया थे। चलो तो वैसे पे थोड़ा देख लो, पहले आते हैं थोड़ा पाकिस्तान के कुछ प्लेयर के पिछले 2-3 मैच में कैसा परफॉर्मेंस करके आ रहे वो देखे थे। उससे पहले आते कैप्टन बाबर आजम, इनका रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे पिछले मैच 9 रन बनाए थे, उससे पहले 36 रन, उससे पहले 8 रन, उससे पहले 110 रन बनाए थे। तो 2 मैच में फ्लॉप रहे और 3 मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहे, कैप्टन है, अच्छा पारी खेल किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हैदर अली, जरूर उनको ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो इनका रिकॉर्ड देख लो, सिर्फ उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ 4-3 ऐसा इनका रिकॉर्ड है। तो कैप्टनसी के लिए मस्त बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे आते तो शान मसूद, इनको भी ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, इनका भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ 1 मैच है 65 रन की पारी लेते हैं, और 2-3 मैच है उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं इनका। और यहाँ पे नेक्स्ट आते अमर जमाल का देख लेते हैं, अमित जमाल का, इनका रिकॉर्ड कैसा है, पिछले मैच 10 रन बनाया था प्लस 1 विकेट लिखाया था, और उससे पहले पाकिस्तान T20 लीग किया था, उसमें भी 1-2 विकेट ऐसा इनका रिकॉर्ड भी है, ये भी टिक टॉक बॉलिंग करके आता है। नेक्स्ट आते यहाँ पे मोहम्मद नवाज, इनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 1 विकेट लेता डक आउट होते, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले 0 विकेट। तो ये प्लेयर बहुत बड़ा है, इनको भी जरूर ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राई कर सकते हो। शादाब खान बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है, पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, तो हर मैच विकेट लेकर आता है, बैटिंग में चांस होता तो बैटिंग में अच्छा कर जाता है, जरूर पिक करना है। मोहम्मद रिजवान पिछले मैच खेला था, उससे पहले 63-88 ऐसा इनका रिकॉर्ड है, 4 मैच अच्छे परफॉर्मेंस कराया था पर 1 मैच फ्लॉप हो गया था। प्लेयर बहुत बड़ा है अभी मोहम्मद रिजवान, खेलेगा तो उनको जरूर कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हरीश राव बॉलर, एक तेज गेंदबाज, पिछले मैच 2 विकेट लिया था, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, तो 1 मैच छोड़कर सब मैच विकेट लेके आ रहा है बंदा। और नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं मोहम्मद वासिम, इनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, 1 मैच 4 विकेट लेके आया था, वो ओडिया में था नेदरलैंड के खिलाफ, तो कभी कभार विकेट लेके जाता है, देखो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे इसको शाजाब धवन का देख लो, पिछले मैच 0 विकेट, उससे पहले 2-1-1 ऐसा इनका रिकॉर्ड है। तो ये था अभी तक के लिए पाकिस्तान के प्लेयर के रिकॉर्ड, अब देख लेते हैं यहाँ पे इंग्लैंड के प्लेयर के रिकॉर्ड कैसे है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले आते हैं एलेक्स सेल्स, इनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 27, उससे पहले 1-5 26-53, 3 मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं और 2 मैच फ्लॉप रहे थे। बैन डेकेट, इनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 10 रन बनाए थे, उससे पहले 33 रन, 70 रन, 43 रन, 21 रन ऐसा इनका रिकॉर्ड है, ये भी परफॉर्मेंस अच्छे करके आते। और यहाँ पे नेक्स्ट आते तो यहाँ पे नेक्स्ट आते डेविड मलान का रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे कैसा है इनका रिकॉर्ड, तो स्लो है गैस, ये कर लो। तो वैसे डेविड मलान का रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 36 रन की पारी खेला था, उससे पहले 14 रन, डक पर आउट हुए एक मैच में, और 2019 एक मैच छोड़कर सब मैच में फ्लॉप रहे, एक ही मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आता। हरी ब्रुक का रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे पिछले मैच में बैटिंग नहीं हुई थी, उससे पहले 4 रन बनाया था, उससे पहले 34 रन, उससे पहले 81 रन की नॉट आउट पारी खेला था, प्लेयर बहुत बड़ा है अभी। जॉर्डन कॉक्स अभी तक खेला नहीं, विल जैक्स तो नहीं खेलेगा, क्रिस रूस का रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे पिछले मैच 1 विकेट ले गया था, 10 रन बनाए थे, उससे पहले 44 रन बनाए थे, वो टेस्ट में था, 3 विकेट ले गए थे, और टेस्ट खेला था, और कोई T20 नहीं खेला, सिर्फ 1 T20 में खेला था। नेक्स्ट यहाँ पे डेविड विलियर का रिकॉर्ड देख लेते, पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, 3 मैच अच्छे परफॉर्मेंस करे था, और 2 मैच विकेट नहीं ले गए थे, तो वो भी प्लेयर बहुत बड़ा है। और नेक्स्ट मोइन अली कैप्टन का देख लेते, पिछले मैच उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, उससे पहले मैच 51 रन, उससे पहले 29 रन, बॉलिंग नहीं करे, हालांकि बॉलिंग कर रहे पर विकेट नहीं लेके आ रहे। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सैम करन, पिछले मैच उन्होंने यहाँ पे 2 विकेट लेके आया था, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट। तो इस मैच आप जरूर इनको ड्रॉप करना ग्रैंड लीग में, मैं सजेस्ट करूँगा इनको ड्रॉप करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आदिल रशीद का रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 0 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, 2 मैच में 2 विकेट लेके आया था और विकेट नहीं लिया ज़्यादा। यहाँ पे फिलिप्स स्टार का रिकॉर्ड देख लो, फिलिप्स स्टार का रिकॉर्ड कैसे है, पिछले मैच उन्होंने 71 रन की नॉट आउट पारी किया था, 71 रन की, और उससे पहले 3-8-8 ऐसा इनका रिकॉर्ड है। तो बस अभी के लिए था कुछ धोनी का प्लेयर का स्टार्ट, चलो गाइस टीम बनाना चालू करते हैं, ज़्यादा हो गया प्लेयर स्टार्ट देखने के लिए। उससे पहले टीम देख बनाने पहले तो पिछले मैच का परफॉर्मेंस कैसा था वो देख लेते हैं यहाँ पे।
तो पिछले मैच में इंग्लैंड 8 विकेट से मैच जीत गई थी, तो उसमें पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए 169 रन बनाए थे 6 विकेट खोकर, और उसमें बाबर आजम 87 रन की नॉट आउट पर लिख गया था, मोहम्मद हारिस 7 रन बनाया था, मसूद 0 रन, हैदर अली 18 रन बनाया था, इफ्तार अहमद 31 रन, आसिफ अली 9 रन बनाया था और मोहम्मद राजे 12 रन पर आउट हो गए थे। और बॉलिंग में यहाँ पे रियाज टॉपली 1 विकेट लिया था, डेविड विली 2 विकेट, रिचर्ड ग्लेसन 1 विकेट और सैम करन 2 विकेट लिया था और आदिल रशीद ने विकेट नहीं लिया था। वही बैटिंग में यहाँ पे 88 रन की नॉट आउट पर किया था फिलिप शॉट ने, 27 एलेक्स गेल से मारा था, 26 डेविड मलन, 26 डेकेट। तो ये मैच आसानी से जीत ली थी इंग्लैंड ने, और बॉलिंग में शादाब खान ने 2 विकेट लिया था और कोई बॉलर ने विकेट नहीं लिया था। तो गैस ये सब देखते हुए चलो गैस टीम बनाना चालू करते हैं, टीम कैसे रहेगा मैं आपको आपके सामने मैं लगाना के दिखा दूंगा कि आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा किस प्लेयर को लेना है किस प्लेयर को नहीं लाना है। तो गैस यहाँ पे पहले T20 है तो मैं ज़्यादा बैट्समैन को प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ज़्यादा पॉइंट देंगे सिर्फ बॉलर और ऑलराउंडर ज़्यादा पॉइंट देगा, तो मैं उनको उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा। तो अब यहाँ पे बैटिंग सेशन में पहले बैटिंग को लूँगा, बाबर आजम को मैं मस्ट पिक कहूँगा, क्योंकि बाबर आजम का यहाँ पर रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच में उन्होंने 87 की नॉट आउट पारी किया था, उससे पहले फ्लॉप हो गए थे सिर्फ 9 रन बनाया था और उससे पहले मैच 36 रन की पारी किया था, तो इसी वजह से मैं उनको ले रहा हूँ, प्लेयर बहुत बड़ा है इसलिए मैं उनके साथ जाऊँगा। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बेन डेकर के साथ जाऊँगा, थोड़ा नेटवर्क इशू था गाइस इसलिए मैं थोड़ा ये कर गया था। नेक्स्ट आते यहाँ पे बेन डेकर का रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे पिछले मैच उन्होंने 26 रन की पारी किया था, उससे पहले 10 रन बनाया था और उससे पहले 33 रन, तो ये भी हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आया था तो इसलिए मैं उनके साथ जाऊँगा। तो लास्ट यहाँ पे बैट्समैन थोड़ा मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिस्क लेना चाहता हूँ हैदर अली के साथ, क्योंकि हैदर अली थोड़ा रिस्की पिक मुझे लग रहा है, अच्छे परफॉर्मेंस करके जा सकता है, पिछले मैच 8 रन बनाया था उससे पहले 4 रन, उससे पहले 3 रन, ऐसा इनका परफॉर्मेंस है, पर इस मैच एक अच्छे परफॉर्मेंस करके जा सकता है मेरे हिसाब से। आपकी मर्जी, आप इनको छोड़कर यहाँ पे शॉन मसूद, डेविड मिलर, एलेक्सिस किसी और के साथ जा सकते हैं, पर अभी के लिए मेरे 3 बैट्समैन रहेंगे। यहाँ पे मैं विकेट कीपर लूँगा मोहम्मद रिजवान, क्योंकि मोहम्मद रिजवान पिछले मैच खेला था, इस मैच पक्का खेलेगा मुझे लग रहा है, उनको पिछले मैच रेस्ट देगा क्योंकि रिकॉर्ड भी देख लो, पिछले मैच 63 इससे पहले 88 है, रिकॉर्ड बहुत बड़ा है इनका, हर मैच अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहा था इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। और यहाँ पे ऑलराउंडर में मैं पहले लूँगा मोइन अली को लूँगा, क्योंकि मोइन अली बैटिंग बहुत बड़ी करता है और अब बॉलिंग नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं इनको आज ग्रैंडली में पिक करूँगा, ग्रैंडली में जरूर कैप्टन ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद नवाज का रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे मोहम्मद नवाज ने पिछले मैच 22 पॉइंट थी, उसमें 12 रन बनाया था, वो विकेट नहीं लेते, पर उससे पहले 3 रन मैच में विकेट लेके आया था लगातार, तो इसलिए मैं इनके साथ जाऊँगा। और नेक्स्ट यहाँ पे शादाब खान को तो मस्ट पिक करूँगा, क्योंकि हर मैच विकेट लेके आता बंदा, 1 या 2 विकेट पक्का लेके जाता, तो इसलिए मैं इनको लेना चाहता हूँ। तो अभी तक के लिए मैं यहाँ पे 3 ऑल करेंगे, मैं सैम करन के साथ लेकर उनको छोड़ रहा हूँ। तो वही यहाँ पे बॉलिंग में मैं हारिस श्रॉफ और मार्कुन दोनों को लूँगा, क्योंकि दोनों मुझे लग रहा है खेल सकते हैं इस मैच में। हारिस श्रॉफ पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, तो ये भी हर मैच विकेट लेके आ रहा है। मार्कुन का भी रिकॉर्ड वैसा है, ये भी हर मैच विकेट लेकर बोल रहे हैं, ग्रैंड में जरूर उनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, हारिस श्रॉफ मार्कुन को एक कॉम्बिनेशन बना के जरूर उनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, मार्कुन का भी रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे रियाज टॉपली को मैं साथ में जाऊँगा, ये भी बहुत बड़ा पिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि रियाज टॉपली ये भी विकेट लेकर बोल रहे हैं, ये भी हर मैच विकेट लेके आता है, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं आदिल रशीद के साथ जाऊँगा, क्योंकि आदिल रशीद पिछले मैच विकेट नहीं लेता, पर इस मैच विकेट लेके जा सकता है, और मैं इंग्लैंड की टीम फेयर में टीम बना हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा इंग्लैंड के प्लेयर बॉलर ही लेना चाहता हूँ। तो मैं अभी के लिए स्मॉल ही टीम रहेगी, वही कैप्टन वाइस कैप्टन बात करें तो यहाँ पर मैं कैप्टन रहेगा, यहाँ पे मैं मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाऊँगा और वाइस कैप्टन मैं बना देता हूँ यहाँ पर शादाब खान। तो थोड़ा ज़्यादा इंग्लैंड का फेवर जाना चाहता हूँ, पर मोहम्मद रिजवान आने की वजह से ये टीम स्ट्रांग हुई, तो पाकिस्तान के मैं उसको कैप्टन बनाऊँ, वाइस कैप्टन में शादाब खान को बनाऊँ। तो वह एक स्मॉल टीम रहेगी मेरी, और जरूर यहाँ पे ग्रैंड लीग ऐड हो गया उसको ज्वाइन करना मत भूलिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो गाइस।